हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 7 महीने बाद आज से महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थल खुल गए। बैन हटने के बाद से सुबह मुंबई के मशहूर सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों में होड़ लग गई है। सुबह काकड़ आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सबसे पहले देखिए पुणे के दगड़ शेठ मंदिर की तस्वीर। तो सिद्धि विनायक की तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं। आज से महाराष्ट्र में तमाम धार्मिक स्थल खुल गए हैं। हमने पुणे के दगडू स्ट्रीट में दिखाया किस तरीके से बप्पा के दर्शन को लोग पहुंचे हैं। और आज जब पहला दिन महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खुले हैं तो उसके बाद सिद्धि विनायक में भी भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, लेकिन अनिवार्य किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग को आपको मेंटेन करना होगा, मास्क आपको पहनना होगा और सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर प्रवेश की इजाजत होगी। देखिए तस्वीरें आपके सामने आई हैं। आज ही से मंदिर और मस्जिद सब खुले हैं, सभी धार्मिक स्थलों को खोला गया है। ये तस्वीर आपके सामने है दगडू सेठ की पुणे की, और सिद्धि विनायक की तस्वीर भी जैसे ही आएगी सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं और ये तस्वीरें सुबह सुबह की पुणे के दगडू सेठ की, बप्पा के दर्शन करने के लिए मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ तमाम श्रद्धालु और भक्त पहुंच रहे हैं। तो सुबह सुबह सिद्धि विनायक मंदिर के भी दर्शन हमने आपको करा दिए, दगडू शेठ के दर्शन भी हमने आपको करा दिए। 8 महीने बाद महाराष्ट्र में भक्ति का रास्ता साफ हुआ है क्योंकि इजाजत दे दी है राज्य सरकार ने तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने की। और आज से ये जब खुले तो उसके बाद देखिए कैसे भक्त एक एक कर बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर जब भक्त जुटने शुरू हुए थे उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुणे के सिद्धि विनायक मंदिर में आरती की जा रही है, इस वक्त की तस्वीरें आपके सामने। सुबह सुबह आप प्रभु के दर्शन करके अपने मान्यता मांग सकते हैं, मांग अपनी बात रख सकते हैं उनके सामने। एबीपी न्यूज पर आपको महाराष्ट्र के तमाम धार्मिक स्थल खोलने की खबर के साथ साथ मंदिर के भीतर के दर्शन भी आपको एबीपी न्यूज पर सुबह सुबह। तो भले ही धार्मिक स्थल खुल गए लेकिन एक बात आपको याद रखनी है वो ये कि आप सीमित संख्या में ही मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें क्योंकि ये अनिवार्य कर दिए गए हैं अगर आपको मंदिर में दर्शन के लिए जाना है तो। ये मुंबई के मशहूर बडाला में विट्ठल मंदिर की तस्वीरें हैं। सुबह सुबह आरती हो रही है बडाला के विट्ठल मंदिर में, वहां की तस्वीरें आपके सामने हैं। आज ही धार्मिक स्थल महाराष्ट्र में खोले गए हैं और सभी मंदिरों में आज सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के साथ सुबह से पूजा अर्चना शुरू हो गई है। भक्तों के लिए दर्शन खोल दिए। तो देखिए अलग अलग राज्यों में ये छूट थी कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर तय करें कि कब क्या खोलना है। अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी महाराष्ट्र में अब तक धार्मिक स्थल बंद थे, अब भक्ति का रास्ता 8 महीने बाद साफ हुआ है। आज से महाराष्ट्र में तमाम धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं और अलग अलग तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं किस तरीके से। देखिए आप देख रहे हैं वडाला में विट्ठल मंदिर की तस्वीरें जहां सुबह सुबह आरती हो रही है, इसी तरीके से सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीरें और पुणे के दगडू शेठ की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है एबीपी न्यूज। और ये देखिए तीन तस्वीरें आपके सामने, पुणे के दगडू सेठ की, दूसरी सिद्धि विनायक भगवान की मंदिर की तस्वीरें और तीसरी तस्वीर बडाला के विट्ठल मंदिर की तस्वीरें। आज धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं और श्रद्धालु दर्शन करने मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं, आरती पूजा अर्चना भी शुरू हो गई। नयना दासरमता वट पाहे सदना संकटी पावा वे निर्वाणी रक्षा वे सुर पर बंधना जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति।
देखिए ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दगड़ूशेठ मंदिर पुणे का, जहां पर दर्शनाभिलाषी पहुंचना शुरू हो गए। दूसरी तस्वीर में आपको मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर दिखाई दे रहा है, जहां जो मुख्य द्वार है उसके बाहर लोग किस तरीके से जुटना शुरू हो गए हैं बप्पा के दर्शन के लिए। और तीसरी तस्वीर वडाला के विट्ठल मंदिर की है मुंबई की, जहां सुबह सुबह आरती हो रही है और भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया।